ये मीर तकी मीर की दिल्ली है, कई बार उजड़ी कई बार बसी। 1857 की जंग आजादी के बाद हर तरफ मायूसी और बेयकीनी का घटा टोप अंधेरा, मंजिल बेनिशान, रास्ते बेसिमत। मगर ऐसे में पहले पहले कदम उठ रहे थे किसी मंजिल की जाने। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है मियां? जी बहुत अफाका हुआ आपकी दवा से। मियां अल्लाह शिफा देने वाला है, लेकिन एक दो रोज और दवा खा लेना। जी बहुत अच्छा, इजाजत। नमस्ते हकीम जी। हाँ राम, कैसा है बेटा अब तुम्हारा? आपकी पुड़िया फाकी लगा फिर वही खेल कूद करने। अच्छा, लेकिन कुछ दिन और आराम करवाओ उसे। जैसा आपका हुक्म हकीम जी। नमस्ते। क्या मसीहा है, क्या हमदर्द है। और फिर 6 अगस्त 1906 की सुबह दिल्ली के उफक पर हकीम हाफिज अब्दुल मजीद की बदौलत दिव्य मशरक में एक ऐसा सूरज तुलू हुआ जिसे दुनिया हमदर्द के नाम से जानती है। ये दिल्ली का मोहल्ला हौज काजी है, जहां हमदर्द दवाखाने का आगाज करके हकीम अब्दुल मजीद ने बड़े काम का बीड़ा उठाया। हकीम अब्दुल मजीद के आबाओ अजदाद का ताल्लुक काशगर से था। 17वीं सदी में बरसगीर हिजरत की और आखिर में आपके वालिद रहीम बख्श ने दिल्ली को अपना मस्कन बनाया। हकीम अब्दुल मजीद नब्ज शनासी, मरज की तशखीस और अदविया की तजवीज और जड़ी बूटियों के खवास जानने में यकताओ यगाना थे। 1907 में खवास व तासीर में मुनफरद व बेमिसल शरबत रू अफजा पेश करके हमदर्द दवाखाने ने अपनी इनफरादियत का सिक्का जमा दिया। अब अद्वियात की तैयारी का सिलसिला जोर और शोर से शुरू हो चुका था। 14 दिसंबर 1908 अब्दुल हमीद पैदा हुए। 1909 में अद्वियात की तैयारी के लिए कासिम जान गली और बाद अजा 1912 में लाल कुआं दिल्ली में एक बड़ी इमारत ली गई। 9 जनवरी 1920 मोहम्मद सईद की विलादत हुई। हकीम अब्दुल मजीद के मंझले बेटे अब्दुल वहीद लड़कपन में इंतकाल कर गए। 26 मार्च 1922 हमदर्द दवाखाने की नई इमारत का इफ्तिताह हुआ, लेकिन बानी हमदर्द हकीम अब्दुल मजीद शदीद अलालत के बायस शिरकत न कर पाए। बिलाखिर 22 जून 1922 को हकीम अब्दुल मजीद का चराग हयात गुल हो गया। अब्दुल हमीद उस वक्त 13 साल जबकि मोहम्मद सईद 2.5 साल के थे। ऐसे में हकीम अब्दुल मजीद की बुलंद हिम्मत अहलिया राबिया बेगम आगे बढ़ी और अब्दुल हमीद की मदद से दवाखाने का इंतजाम संभाल लिया। 1927 में हकीम अब्दुल हमीद ने कुल्ली तौर पर हमदर्द दवाखाने की जिम्मेदारियां संभाल ली। 1932 में रू अफजा की तैयारी के लिए अलहदा फैक्ट्री कायम हुई। 1940 का साल आया तो हकीम मोहम्मद सईद तिब्बिया कॉलेज दिल्ली से तिब की सनत लेकर बड़े भाई के हमकदम हो गए। 1947 में हमदर्द को वक्फ बना दिया गया। एक तरफ हमदर्द कामयाबी के सफर पर गामजन था और दूसरी जानब बरसगीर में आजादी के नारों की गूंज थी। 1947 में तकसीम बरसगीर हुई और पाकिस्तान वजूद में आया। हकीम मोहम्मद सईद रोज अव्वल से ही पाकिस्तान जाने के ख्वाहिशमंद थे। आजादी के चंद माह बाद एक दिन हकीम अब्दुल हमीद ने हकीम मोहम्मद सईद को बुलाया। जी भाईजान, आपने बुलाया? हाँ मियां सईद, तुम्हें पाकिस्तान जाने की बहुत ख्वाहिश है। जी भाईजान, मैं चाहता हूँ वहाँ भी हमदर्द कायम हो, वहाँ जाएं, उनके दुख दर्द बांटें। लेकिन तुम वहाँ इस बेसरो सामानी के आलम में जाकर किस तरह हमदर्द कायम करोगे? भाईजान अल्लाह मालिक है, बाबा ने भी तो अल्लाह पर भरोसा करते हुए हमदर्द कायम किया था। बाबा ने हमदर्द को महज दवाखाना नहीं बल्कि तालीम, सेहत और रिफाए अम्मा का एक अजीम इदारा बनाने का ख्वाब देखा था। भाईजान, आप इस ख्वाब को इंडिया में
और मैं पाकिस्तान में शर्मिंदा ताबीर करूंगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। 1948 में हकीम मोहम्मद सईद ने महज 28 साल की उम्र में कराची में कदम रखा। नया मुल्क था मगर मंजिल रोशन थी, इसीलिए बेसरो सामानी के आलम में भी कदम एतमाद के साथ उठते चले गए। कुछ अरसा एक स्कूल में मौलवी के फराइज अंजाम देने के बाद हकीम मोहम्मद सईद ने 26 जून 1948 को आरामबाग में किराए की इमारत और किराए के फर्नीचर से मतलब हमदर्द के जरिए हमदर्द पाकिस्तान की बुनियाद रख दी। बाद अजां उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान में भी हमदर्द की बुनियाद रखी गई, जो आज हमदर्द बांग्लादेश कहलाता है। आइए देखते हैं हमदर्द बर्रे-सगीर के तीनों ममालिक में किस निजाम के तहत काम करता है। हमदर्द का मखसूस तरीके कार। हमदर्द इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कायम होने वाला बर्रे सगीर का तिब्बे मशरक में अहम तरीन इदारा है। मकसद के एक होने और इब्तिदा ही से तरीक़ेकार वज़ा हो जाने के बायस तीनों मुमालिक में हमदर्द इंतजामी और फैसला साजी के तौर पर अलग अलग काम करता है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में हमदर्द लेबोरेटरीज वक्फ हैं और पेरेंट कंपनीज कहलाती हैं, जिनके ज़ेर इंतज़ाम तीनों ममालिक में हमदर्द फाउंडेशंस काम करती हैं। हर मुल्क में हमदर्द लेबोरेटरीज का कुल मुनाफा उस मुल्क की हमदर्द फाउंडेशन के सिपुर्द कर दिया जाता है, जिसे फाउंडेशन सेहत, तालीम और रफाए आम्मा के कामों में सर्व करती है। हमदर्द इंडिया। हमदर्द की इब्तिदा इंडिया से हुई। इस 100 साल के अरसे में वहाँ हमदर्द ने कामयाबी और तरक्की की नई तारीख रकम की। हकीम अब्दुल हमीद की रहनुमाई में जामिया हमदर्द, मजीदिया अस्पताल, गालिब एकेडमी और मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के अलावा मुतअद्दिद मंसूबों का आगाज हुआ और आज वो कामयाबी से चल रहे हैं। हकीम अब्दुल हमीद हमजहद शख्सियत के मालिक थे। हमदर्द इंडिया के तमाम उमूर पर आपकी मुकम्मल नजर थी। हमदर्द बांग्लादेश। हमदर्द पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम 1953 में ढाका में पहला हमदर्द मतब कायम हुआ। बाद अज़ां चटागोंग में मतब कायम किया गया। 9 जनवरी 1994 को शहीद हकीम मोहम्मद सईद ने सुनारा गांव, नारायणगंज, बांग्लादेश में हमदर्द फैक्ट्री का संगे बुनियाद रखा। जून 2005 में फैक्ट्री की इफ्तिताही तकरीब में हमदर्द लेबोरेटरीज वक्फ पाकिस्तान की चेयरपर्सन मोहतरमा सादिया राशिद और हमदर्द लेबोरेटरीज वक्फ पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नवीदुज़फर ने शिरकत की। हमदर्द के पहले चीफ ट्रस्टी साबिक सदर बांग्लादेश चीफ जस्टिस एहसानुद्दीन चौधरी थे। हमदर्द लेबोरेटरीज वक्फ पाकिस्तान। हमदर्द लेबोरेटरीज वक्फ पाकिस्तान ने हमदर्द इंडिया की तरह 26 जून 1948 से बजरिए तिब खिदमत इंसानियत का आगाज किया और फिर हकीम मोहम्मद सईद की वलवला अंगेज क्यादत में बहुत जल्द कामयाबी की मनाजिल तय की। हमदर्द लेबोरेटरीज वक्फ पाकिस्तान की अद्वियात और दीगर प्रोडक्ट अल राबिया फैक्ट्री कराची, कोट लखपत फैक्ट्री लाहौर, पिशावर फैक्ट्री और हमदर्द शहर सनत यानी हमदर्द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में तैयार की जाती हैं। हमदर्द पाकिस्तान के दफातर अल मजीद हमदर्द सेंटर नाज़माबाद में वाक़े हैं। 1973 में तामीर होने वाली इस 2 मंजिला वसीओ अरीज इमारत में बानिय हमदर्द हकीम मोहम्मद सईद शहीद अपने दफ्तरी उमूर अंजाम देते थे। इस वक्त हमदर्द पाकिस्तान की चेयरपर्सन मोहतरमा सादिया राशिद और हमदर्द लेबोरेटरीज वक्फ पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नवीदुज़फर अल मजीद से ही अपने फराइज़ मनसबी अदा कर रहे हैं। हमदर्द को ये फख्र भी हासिल है कि कराची में हमदर्द के ज़ेर इंतज़ाम कायम होने वाले पहले बाकायदा तिब्बिया कॉलेज के इफ्तिताह के लिए मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना तशरीफ लाई। हमदर्द पाकिस्तान को हकीम मोहम्मद सईद की सरकर्दगी में इब्तिदा ही से बेहतरीन टीम मैसर आई है, जिनमें हमदर्द के पहले जनरल मैनेजर हकीम मोहम्मद याह्या और हमदर्द के इंतजामी सरबरा डॉक्टर हाफिज मोहम्मद इलियास अहम नाम हैं। हमदर्द लेबोरेटरीज वक्फ पाकिस्तान की अद्वियात और दीगर प्रोडक्ट। हमदर्द की तमाम अद्वियात और प्रोडक्ट मयार और एतबार में सनद की हैसियत रखती है। खाम माल के हुसूल से पैकिंग तक मयार पर कोई समझौता नहीं। हमदर्द का नाम सुनते ही रूह अफ़ज़ा का नाम ज़हन में आता है। ये बिलाशुबा हमदर्द का तारुफ है और क्यों ना हो, क्योंकि आज तक ना ही कोई इसका बदल आया और ना ही ऐसी